हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जानेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा पहने जाने वाला चश्मा, चाहे वो पावर स्पेक्स हो या फिर सनग्लासेस, दुनिया में कब और कैसे आया था और इसका आविष्कार किसने किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, पूरी वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इससे रिलेटेड आपको अभी तक पूरी यूट्यूब पे या गूगल पे आपको कहीं पे भी कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, और अगर वीडियोस मिलती भी तो है सारी वीडियोस आपको फेक मिलेंगी। तो गाइस, चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको जल्दी से मैं बता देता हूँ कि चश्मे का आविष्कार कब और किसने किया था। तो हमारी इस वीडियो को प्रॉपर पूरा एंड तक देखिए, और हो सके तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि चश्मे का आविष्कार सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था। तो चश्मे का आविष्कार सबसे पहले 1286 ईस्वी में इटली के एक शहर में हुआ था। अफसोस की बात यह है कि जिन वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, आज की तारीख में हम लोग उनका नाम तक भूल चुके हैं। फिर समय के हिसाब से और भी वैज्ञानिक आते गए आते गए। 13वीं सदी में, मतलब 1300 में इसका पूरी तरीके से आविष्कार हो चुका था, जिनका नाम एलेसेंड्रो दी एस्पिना था। इन्होंने लोगों की नज़र को कमज़ोर को माध्यम में रखते हुए चश्मे का आविष्कार किया था। समय के साथ साथ फिर इसमें और तरह तरह का आविष्कार करते गए। कुछ धूप के चश्मे बनाए, फैशन के चश्मे बनाए गए। अब समय का आलम यह है कि तरह तरह की डिज़ाइनें आने लगी, तरह तरह के चश्मे आने लगे, तरह तरह के लेंसेज आने लगे। अब लेंसेज में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आने लगी है। खैर, सलाम है उन वैज्ञानिकों को जिनके माध्यम से आज हम लोग सही तरीके से देख सकते हैं। किसी की दूर की निगाह है तो किसी की करीब की निगाह कमज़ोर है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें प्लीज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अभी मेरा बिल्कुल चैनल नया है और मैं अभी स्टार्टिंग वीडियोस बना रहा हूँ, तो गाइस मैं कोशिश करता हूँ कि नए नए चैनल पे नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।